अगर वो राजद के एमएनसी हैं और राजद के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं, ये राजद का शीर्ष नेतृत्व को देखना है क्या कार्रवाई करे, उन पर लगाम लगाए, अन्यथा हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता का भी संघ का बंध टूट सकता है। देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से उठा माजरा अब बिहार के सियासी गलियारों में तूल पकड़ा हुआ है। जहां एक तरफ मंत्री और अधिकारी के बीच छिड़ी बहस अब बिहार की सियासत को लगातार लहका रही है और यही वजह है कि महागठबंधन की ही सरकार एक दूसरे के आमने सामने है। आरजेडी बनाम जदयू की लड़ाई लगातार छिड़ी हुई है, जहां सबसे पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने यह कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानबूझकर अपने ऐसे अधिकारियों को विभाग में लगाया है ताकि मंत्रियों पर नकेल कसी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू ने इस पर तपाक से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कह दिया कि आरजेडी एमएलसी की इन बातों को हम तरजीह ही नहीं देते। जिसके बाद सुनील सिंह लगातार जदयू पर आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ सुनील सिंह की बयानबाजी लगातार जारी है, जो हम आपको खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन सब्र का बांध अभी यही नहीं रुका बल्कि टूट गया। जी हां, बताते चले कि अब जदयू के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह ने आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की बातों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और नाराजगी जताते हुए ये कहा है कि उनकी बातों का हमसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बातों को हम इग्नोर करके चलते हैं, वरना सब्र का बांध तो कभी भी टूट सकता है। ये एक बड़ा संकेत है कि एक बार फिर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में एक उछाल तो तय है। सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे क्या कुछ कहना है जदयू के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह का। आरजेडी के एमएलसी के बयान पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक जन आकांक्षाओं के अनुरूप चल रही है। ऐसे में हमारे घटक दल के शीर्ष नेतृत्व एकदम एक साथ सामंजस्य से है। ऐसे में किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता या नेता कोई बयान या प्रतिक्रिया देता है, चाहे वो व्यक्तिगत हो, व्यक्तिगत ही मानी जा सकती है, क्योंकि पार्टी राजद का शीर्ष नेतृत्व जदयू के शीर्ष नेतृत्व के साथ एकदम है, तो ऐसे लोगों के बयान को नोटिस में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक समस्या होती है अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर, इसमें कि वो व्यक्ति को लगता है कि हम पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हो। वैसे लोगों का इलाज यही है कि ऐसे लोगों पर ध्यान न दिया जाए और वैसे लोगों के बयान और प्रतिक्रिया का हम नोटिस नहीं लेते हैं, क्योंकि वैसे लोगों के बयान या प्रतिक्रिया का कोई महत्व नहीं है। अगर वो इशारों में अपनी कुछ शब्दों के बाजीगरी से कुछ एहसास करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि ये उनके बहुत ही निचली स्तर का, उनकी मानसिकता का परिचायक है कि वैसे वैसे टिप्पणी पार्टी में जाके करते हैं। अगर वो राजद के एमएलसी हैं और राजद के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं, ये राजद का शीर्ष नेतृत्व को देखना है क्या कार्रवाई करे, उन पर लगाम लगाए, अन्यथा हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता का भी संघ का बंध टूट सकता है।